दोस्तों इस तरह का कार्ड है ये और मुझे 2 मिनट ही लगे बस यहाँ से। और इस कार्ड के लेने के लिए बता देता हूँ, आपको आधार कार्ड दिखाना होता है। अगर आप आधार कार्ड नहीं भी लाए हैं तो आपके पास मोबाइल में होना चाहिए फ़ोटो वगैरह उसका, तो आपको ये ऐसा आईडी कार्ड मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन होता है और एक आपकी फ़ोटो खींचते हैं लोग, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं देना आप लोगों को, ठीक है। और आते वक्त इस कार्ड को जमा करवाना है आपको। और ये कार्ड अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। कैसे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माइल्स एक्सप्लोर में। और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप यात्रा करने स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाते हैं आपको। जो मेन एंट्री गेट है माता वैष्णो देवी, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, तो 100-100 रुपये में ऑटो लेते हैं। 100-100 रुपये में आपको ऑटो मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या कहते हैं, ये 100 रुपये जो किराया है वो एक जने के लिए होगा। और अगर आप अकेले आ रहे हो या आप फिट हो या आपको लगता है कि आप पैदल चले जाओगे, तो हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर वॉकिंग होती है यहाँ से उस एंट्री गेट तक के लिए, तो आप पैदल वॉकिंग करके जा सकते हैं। तो मैं तो वॉकिंग करके जा रहा हूँ, मैं 100 रुपये नहीं खर्च करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे मिलते हैं। दोस्तों आपकी जो मेन यात्रा है वो यहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लिखा हुआ है फ्रिस्किंग पॉइंट, तो आपकी यहाँ से यात्रा है, मेन यात्रा जो होगी वहीं से शुरू होगी। ये देख लीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप जैसे पहली बार आ रहे हो यात्रा करने, जैसे जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ ना अपना ना सामान ज़्यादा लेकर ऊपर ना जाएं, क्योंकि जब आप चढ़ाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी काफ़ी ज़्यादा। तो छोटा सा कैरी बैग, मतलब जैसे पैसे मोबाइल वगैरह रख लीजिए, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। उस समय आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप आराम से इजी चढ़ पाओगे। फालतू जैसे आपका बैग है फालतू में उसको लेके मत जाओ ऊपर, उसको सबसे अच्छा है लोकर रूम में जमा करवा दीजिए, ठीक है। और इसके अंदर से हम एंट्री करेंगे और इस तरीके से जैसे ये ऑटो जा रहा है ना, ये आपसे 100 रुपीज़ लेते हैं यहाँ तक लाने के लिए और वापस आपके होटल तक छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक, ठीक है। तो ये पर पर्सन 100 रुपीज़ लेते हैं। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं। बोलो जयकारा शेरवाली दास, बोल साचे दरबार की जय। तो मैंने यहाँ से एंट्री कर ली है इधर की तरफ से और हम लोगों को इस तरफ चलना है। जय जय जय। और हम लोगों को ना इस तरफ से चलना है,
और यहाँ पे खच्चर वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। खच्चर का बता देता हूँ, 500 रुपये लेते हैं अर्धकुंवारी तक, ठीक है सर। और उससे आगे अगर आप जाते हो तो 1000 से 1100 रुपये लेते हैं। बाकी मैं इसके ना रेट भी दिखा देता हूँ इन लोगों के, क्या रेट है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से शॉप मिल जाएगी आप लोगों को। भैया कितने का डंडा है ये? 20 वापसी दस। अरे फिर वापसी वापसी कर सकते हैं इनको? हाँ वापस करोगे 10 वापस। दोस्तों इनको ना डंडा ले सकते हैं आप यहाँ से ना, और वापस करने में 10 रुपये मिल जाएंगे। 20 रुपये में इसको आप ले सकते हैं यहाँ पे, यहाँ फोटो शूट वगैरह करा सकते हैं इस तरीके से। फोटो खिंचवानी है? फोटो खिंचवा सकते हो आप यहाँ पे, ये देखिए। और दोस्तों यहाँ पर होता है गुलशन कुमार का भंडारा, ये देखिए। ये नीचे जो स्टेयर्स जा रही हैं, तो ये नीचे से जाना होता है, वहाँ से रास्ता आ रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर गुलशन कुमार टी सीरीज के जो मालिक थे, मतलब अभी भी है, उनके बच्चे संभाल रहे हैं, तो उनका भंडारा आज भी यहाँ होता है और काफ़ी सालों से हो रहा है। ये देखिए टी सीरीज गुलशन कुमार वालों का यहाँ पर अपना डीलरशिप ले रखी है किसी ने, भाई ने, तो बिल्कुल उसके सामने ही है। यहाँ पे लंगारा लंगर चलता है, ये देखिए। वो देखिए अंदर चल रहा है लंगर, इस तरीके से आप बैठ के लंगर खा सकते हैं, और बहुत स्वादिष्ट लंगर होता है। और ठीक ये बाणगंगा से ना पहले ही पड़ता है लंगर का रास्ता। ये देखिए दोस्तों कोनी के हैं, पिट्ठू के, पालकी के रेट्स हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपको ये घोड़े खच्चर मिल जाएंगे। जो लोग नहीं चल सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं या काफ़ी उनका वेट ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से घोड़े या खच्चर ले सकते हैं यहाँ से, और चाहे तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, बाणगंगा की तरफ। ने ले लिया गॉगल्स, 100 रुपये की चश्मे मिल गए यहाँ पे, बढ़िया लगा, मैंने ले लिया। ये धूप ज़्यादा पड़ रही है आँखों के ऊपर, तो चलो आगे चलते हैं। Thank you.
दोस्तों मैंने बाथिंग घाट पहुंच गया हूं बाण गंगा के, और इसमें अंदर दिखा के लाता हूं कैसे इसमें है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें अंदर कैसे है बाथिंग घाट बताता हूं थोड़ा सा आपको उसके बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये बाण गंगा, ये वही बाण गंगा है दोस्तों, जब हनुमान जी को प्यास लगी थी और माँ वैष्णो देवी को अपने केस धोने थे, तो माँ वैष्णो देवी ने अपने बाण से ये गंगा निकाली थी, इसलिए इसको बाण गंगा कहते हैं। ये देखिए कितना शुद्ध जल है, कितना साफ जल है। और एक चीज़ दोस्तों, आज से 10 से 15 साल पहले इसमें काफ़ी तेज जल चलता था, पर इस बात को हो गए कम से कम 15 से 20 साल, हाँ 5-10 साल में 15 से 20 साल हो चुके हैं, तब इसमें काफ़ी तेज पानी गिरता था पर झरने की तरह। और ये है बाण गंगा, देखिए। तो यहाँ पर जब आए तो क्या कहते हैं, या तो आप जाते वक्त नहा सकते हैं या फिर आते वक्त भी नहा सकते हैं जब आप आए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लोग वक्त नहा रहे हैं, ये है बाण गंगा, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर ना कूड़ा ना फैलाए, यहाँ पर मैं काफ़ी सारे लोगों को देख रहा हूँ, ये ना वो लोग साबुन से नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इससे हमारा जो जल होता है पानी कोई भी होता है वो ख़राब हो जाता है, उसमें केमिकल होते हैं, साबुन और क्या कहते हैं जो आपके शैम्पू होते हैं उसमें केमिकल वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर मछलियाँ भी हैं अंदर, तो वो मछलियों पर प्रभाव पड़ता है जो भी इसके अंदर जीव होते हैं जल के अंदर। तो देखो ये कितनी गंदगी फैला रखी है, अगर आप देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं पता नहीं इसमें क्या क्या डाला हुआ है लोगों ने, शैम्पू वगैरह के पैकेट डाले हुए हैं, ये देखिए ये गंदगी कितनी फैलाई है। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं बाण गंगा में, बाण गंगा ही नहीं किसी भी आस पास जितने भी हमारे पर्यटक हैं जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए ऊपर का व्यू कैसा लग रहा है यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड है, इस पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, जेब कतरों से सावधान रहे और किसी भी व्यक्ति से अजनबी से खाने पीने का सामान ना ले और तेल साबुन का प्रयोग ना करें। तो इस तरीके से बाण गंगा है, तो अगर आप जा रहे हैं यात्रा करने तो अब भी नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, और जब आ रहे हो तब भी आप स्नान कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये वाला एपिसोड हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं बाण गंगा तक का, और इस नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे चरण पादुका, इसमें आपको चरण पादुका का दर्शन करवाऊंगा, ठीक है, वहाँ का मंदिर दिखाता हूँ और जो भी इसका यात्रा होगी इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो दिखाता हुआ चलता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, इसमें हम चरण पादुका के दर्शन करेंगे।